हाय गाइस, दिस इज मी तरनजीत सिंह। मैं क्या तुझे सोच दूंगे ना कि मजे मेरे लगे ने, जिथे जाना खूबसूरत लोकेशन, खूबसूरत हवा और डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। पर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भी होता है समटाइम। फोन कम्युनिकेशन से दूर हूँ, पहाड़ों के बीच में हूँ, ठंडी हवा चल रही है, जैकेट पहनी हुई है, और ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूँ टू शो यू नंबर वन द लैंडस्केप, द ब्यूटी, कि आपको पता चले कि आपका मुल्क कितना खूबसूरत है। नंबर टू, कि आप जब पैकिंग करें, अपना बैग उठाएं, गाड़ी ले, तो कहां कहां जा सकते हैं, कौन कौन से खूबसूरत जगह आपके लिए आपकी अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं। आज मैं आया हूं शारदा, 136 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फराबाद और 52 किलोमीटर फ्रॉम अठमाकाम। ये तारीखी शहर है, खूबसूरत जगह है, और ये दूसरी बड़ी तहसील है डिस्ट्रिक्ट नीलम की। वेल, यहाँ पे जो दरिया है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, लोग राफ्टिंग करते हैं, कैंपिंग साइड है, उसके अलावा होटल्स हैं, लोग फोटोज बनाते हैं, दरिया के साथ खेलते हैं और साथ में पहाड़ों का नजारा लेते हैं। तारीखी शहर है, बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लोर करने को है। जब मैं आता हूँ, आप सबको पता चल चुका है कि मैं जब जाता हूँ तो बहुत कुछ खूबसूरत दिखाने को होता है, और वो मैं वाकई दिखाता हूँ। हाँ सब आ जाए, हो जाए एक जर्नी तारीखी शहर पे, कुछ तारीखी मकाम भी एक्सप्लोर करने को है। अल-बेरूनी की किताब में शारदा का जिक्र मौजूद है। अकॉर्डिंग टू अल-बेरूनी, ये जो मकाम है हिंदू मजहब के लिए एक इम्पोर्टेंट मकाम की हैसियत रखता है, एक होली प्लेस की हैसियत रखता है। उसके अलावा यहाँ एक शारदा यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना कदीमी नाम शारदा पथ यूनिवर्सिटी था, और पथ जो वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया, जिसका मतलब होता है होली ब्लेसिंग वाला मकाम। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत पुरानी है, बुद्धिज्म के जमाने में, हिंदुइज्म के जमाने में ये अपने टाइम की सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और यहाँ पे बहुत से तलबा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे स्टडीज करते थे, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, रिलीजन हो गया। फर्दर जानते हैं इसके बारे में, हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से जानशेर खान साहब मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कितना इम्पोर्टेंट था ये मकाम हिंदू मजहब के लिए और बाकी लोगों के लिए तारीखी तौर पर। इसकी तमीर जो है 24 ईस्वी में कनिष्क
अमल के दौर में ये नेपाल का शहजादा था उसके दौर में इसकी तमीर को जो है ना इसकी तमीर अमल में लाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से तालिबे इल्म आराफ्ता ज़ेवर तालीम से आराफ्ता होते थे। शारदा का मतलब जो है, शारदा का मतलब ये है कि इल्म अदब की देवी, जहाँ से पूरी दुनिया इसके इल्म अदब से रोशनास होती। और इसके अलावा यहाँ पे जो जियोग्राफी के लिए आप जिस तरह से देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं कि किस तरह कितना मुश्किल काम था ये और किस तरह ये बनाई गई है। उस दौर में जिस दौर में कोई जो है ना कंस्ट्रक्शन मशीनरी यहाँ पे नहीं थी, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कदीम यूनिवर्सिटी जहाँ पे दुनिया भर से तालिबे इल्म वारास्ता तालीम होते थे, तो किस तरह इसकी तामीर की गई है कि भागिया उस दौर में कोई वैने नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो इंसान को हैरत में डाल देती है। आजकल की किताबें लिटरेचर में इसका कितना जिक्र मौजूद है? शारदा यूनिवर्सिटी का जिक्र खाली किताब अल हिंद अल बेरूनी ही की नहीं मिलता, बल्कि राय तरंगनी जो है पंडित कुलन की वो मशहूर मौरख है उनकी किताब में मिलता है। मेजर बेट्स अंग्रेज मौरख है वो लिखते हैं। अबू अल फजल फैजी जो आइन याकूरी में इसका जिक्र है। ये शारदा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जिसका हर तारीख में आपको जो है ना इसके जो है ना वो शायद मिलते हैं। टूरिज्म के हवाले से बताइए कि आज टूरिज्म कितना इस जगह को अट्रैक्ट करता है? टूरिज्म के लिहाज से शारदा तो इतनी हैसियत रखता है जितनी शारदा यूनिवर्सिटी की हैसियत है। नीलो वैली में जितने भी लोग आते हैं वो शारदा की तारीखी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए और तारीखी हैसियत को पढ़ के आते हैं कि शारदा में इतनी कदीमी जगह है, तो नीलो वैली में आने की एक वजह से शारदा यूनिवर्सिटी की कदीमी हैसियत है। सिक्सटी थ्री का जो फिगर है एशिया में वो लकी नंबर माना जाता है, चाहे 63 सीढ़ियां हो, 63 का माला बनाया जाए या 63 की मोतियों का हार बनाया जाए, ऊपर वाले पोर्शन को अप्रोच करने के लिए 63 सीढ़ियां हैं। और कहा जाता है कि बैसाखी के महीने में अहले हिंद आके यहाँ यात्रा करते थे तो तालाब में नहाने के बाद नंगे पैर ऊपर तक अप्रोच करते थे। जहां जहां आपको बुद्धिज्म के हिंदुइज्म की हिस्ट्री मिलेगी कहीं ना कहीं 63 का फिगर नजर आएगा। लकी नंबर है और ये जो सीढ़ियां है बड़ी मेहनत से बनाई गई है और ये बताती है कि कितनी मेहनत उस जमाने में लगी होंगी। मनुष्यात के आदि अफराद की बहाली एक माशर्ती और कौमी फरीजा। आइए हर किस्म की नशावर अशिया की रोकथाम में उनकी काशों का साथ दें। से नो टू ड्रग्स। जी वाह, कश्मीर की वादियाँ हो, खूबसूरती हो, चारों तरफ आपको ग्रीनरी नजर आ रही हो, पहाड़ हो, ठंडी हवा लग रही हो और फिर आपको वंजली यानी बांसुरी सुनने का मौका मिले। वंजली इसलिए कहूँ, कुछ देर पहले मैंने गाना सुना तो मैं उसको वंजली कहूंगा। मेहरबान मलिक की मेहरबानी है कि हमें इस पहाड़ों में मिले हैं और हमें वंजली यानी बांसुरी से कुछ सुनाएंगे और फिर खासकर शारदा जैसे तारीखी शहर में आके बांसुरी सुनना, क्या बात है। खान साहब सुनाइएगा प्लीज।
ساؤ جی بڑی ٹھنڈ ہے. ہاں جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کدھر سے آ رہے ہیں؟ کدھر سے آ رہے ہیں؟ ہری پور سے آ رہے ہیں. اوپر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے واپسی. اچھا صحیح. سارے بچے ہیلو ٹھیک ہو؟ ہاں جی تو یہ خوبصورت ویلی ہے, جگہ جگہ چراگاہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب چراگاہوں کا ذکر ہو, ایسی جگہوں کا ذکر ہو جہاں پہ گراس ملے اور جانور کو فیڈ کیا جا سکے, تو پھر خانہ بدوش ہوتے ہوئے جگہ جگہ جاتے ہیں, جانوروں کو لے کے جاتے ہیں, فیڈ کرتے ہیں, پھر آپ کو واپسی بھی نظر آتے ہیں. واپسی تب ہوتی ہے جب گرمی کا موسم ختم ہونے کو آ جائے اور سردی بڑھنے لگے, تو پھر یہ نیچے کی طرف جاتے ہیں, شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں موسم کے اثرات کو دیکھتے ہوئے. تو آن دا وے آپ دیوسائی استور تک جاتے ہیں اور اب واپسی اس نیلم ویلی کے تھرو نیچے اترتے ہیں. یہ جو کیمپنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پہ ان کی ٹیمپری کیمپنگ ہے, یہاں رہتے ہیں, پڑاؤ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے سمر میں جو ہے پھر واپس آتے ہیں اور ونٹر میں آپ کو یہ شہروں میں ملتے ہیں. تو یہ ٹیمپری رہائش ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ سے آپ کو ریوڑ گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. شاہدہ ایک مقام آتا ہے جہاں پہ گلیشئر کا پانی پگھل کے آتا ہے اور ایک آبشار کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. میں رکا ہوں تھوڑا سا اس کا ویو لینے کے لیے. یہ جو پانی ہے بہت ٹھنڈا ہے, بہت زور سے گرتا ہے اور جس سپیڈ سے گرتا ہے تو ایک ساؤنڈ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پانی نیچے دریا میں گرتا ہے. چاروں طرف خوبصورت گلیشئر کے پہاڑ بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں اگر آپ ونٹر میں آئے, لیکن اگر آپ سمر میں آئے تو گرینری نظر آئے گی اور ایک آدھ طرف آپ کو گلیشئر کا پہاڑ بھی نظر آئے گا. بٹ اے بیوٹیفل پلیس. لوگ گاڑیاں لگاتے ہیں, تھوڑا نظارہ لیتے ہیں, ساؤنڈ بائٹ کو انجوائے کرتے ہیں. لیٹ می انجوائے اینڈ ٹو شو یو از ویل.
वेल, अब तो मैं भी एक्सपर्ट हो चुका हूँ ट्रैवल के साथ साथ। जहाँ जाता तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट का एक जो झलक है वो देखने का शौक होता है। मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कहीं ना कहीं होता है। तो मैं केल के बाजार में आ चुका हूँ, तो बाजार में आते साथ ही मेरी एंट्री जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे हैंडीक्राफ्ट की चीजें यहाँ पड़ी हैं और कुछ लोकल चीजें हैं। और कितनी मेहनत का काम हुआ है, कितना ज्यादा काम यहाँ पे होता है और कितनी डिमांड है थोड़ा जानते हैं। सर बताइएगा क्या क्या बनाते हैं? ये वुड का काम तो मुझे नजर आ रहा है, ये आप लोग बना रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उसका है अखरोट की लकड़ी, अखरोट और ज्वार की लकड़ी, ठीक है। उसके अलावा बताइएगा कौन सी सबसे बेस्ट चीजें जो आप बनाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, ये जिसमें ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व हो? सबसे ज्यादा लकड़ी के अंदर जो हम बनाते हैं अखरोट की, जैसे अल्लाह के नाम लिखने की वैसे कुर्सी लिखी हुई है और टेबल सेट बनते हैं, टिश्यू बॉक्स बनते हैं, इस तरह जो है घड़ी बनती है उसके अंदर अखरोट की लकड़ी में, इस तरह बहुत सी चीजें अखरोट की लकड़ी। अखरोट की लकड़ी के अलावा ये जो है ये होता है नंदा, ये जो है सेंटर पीस होता है कमरे का, और ये बनता है भेड़ों की जो ऊन होती है, वूल उसके बाल होते हैं, बाल होते हैं ओके, उसको जो है ना बनाते हैं मशीन के अंदर, उसके ऊपर सारा काम जो होता है ये हाथ के साथ करते हैं। तो ये बड़ी मेहनत से जो है ये बनता है और ये बहुत अच्छा चीज बनती है। ये एक कितने दिनों में बनता होगा? ये तकरीबन एक बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और एवरेज प्राइस क्या होती है इसकी, कीमत की? एवरेज इसके साइज के हिसाब से पैसे होते, जितना साइज बड़ा है इतने जो है रेट उसकी ज्यादा है, ठीक। उसके अलावा क्या क्या लोकली और बनता है? उसके अलावा जो है यहाँ पर एक होता है कश्मीरी जुब्बा होता है हमारे पास, जो सामने नजर आ रहा है बड़ा हुआ, अच्छा हाँ। और कश्मीरी जो है ना फिर वो एक टोपी होती है जैसे ये, इसको हम बोलते हैं लचका, लचका लचका। और यहाँ से 10 साल जो है ना पहले ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था यहाँ का, तो अब जो है ना थोड़ा बहुत कम हो गया। तो फिर हमने जो है हैंडीक्राफ्ट की शॉपों में इनको जमा करना शुरू कर दिए, अब दोबारा से जो है इसका बनाने शुरू किया, ठीक। ऐसी कौन सी चीजें जिसमें टूरिस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या दिलचस्पी लेते हैं? टूरिस्ट जो है ना ज्यादा ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि हैंडमेड चीज मिले हमें, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई, उसमें कश्मीरी शाल होती है हमारे पास, कश्मीरी पैरन होता है उसमें, और उसके अलावा कश्मीरी टोपी होती है, दीगर और बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा भाई, एक इंटरेस्टिंग से सवाल मैं पूछने लगा हूँ, मर्दों के लिए कुछ नहीं होता? मैं जितना ट्रैवल कर चुका हूँ मुझे कुछ खास मिला नहीं अपने लिए कि मैं पहन सकूँ ले सकूँ। मर्दों के लिए कुछ बनाते हैं क्या? मर्दों के लिए चादर बनाते हैं, चादर बनाते हैं, ज्यादातर लेडीज के लिए होती है सब कुछ? नहीं, मर्दों की चादरें होती है ना, अच्छा, वूल से बनती है, दो तरह की बनती है, जो है ना बिल्कुल ऊन से बनती है जैसे कि रमदा बना हुआ है, एक जो है ना वो वूल के धागे से बनती है जो खड्डी पे बनाते हैं हम, वो मर्दों के लिए होती है। सर्दी के लिए जुबा बनता है मर्दों के लिए, लॉन्ग कोट जिसे कहते हैं, वो भी ऊन का बनता है, बड़ा गर्म होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वेल, आप जरूर आए और यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री उसको जरूर प्रमोट कीजिएगा। टूरिस्ट के थ्रू ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, हाथ का बना हुआ काम है, ये प्रमोट होता है, दूर दूर इलाकों तक जाता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड आई ट्राई कि मैं जहां जाऊं इसको जरूर इंक्लूड करूंगी कि लोगों की मेहनत बोलती जोलती नजर आती है। जी, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग अराउंड मी, पार्शली क्लाउडी वेदर है। मैंने जाना केल से अड़नकेल और वहां जाके कुछ अच्छी लोकेशंस हैं, हाइट है, अच्छा व्यू मिल जाएगा, लेकिन जो सवारी है वो ये है, चाहे तो उसको आप चेयरलिफ्ट कह दे, चाहे इसको आप बगी कह दे, चाहे इसको आप कोई और नाम दे दे, लेकिन यही एक सवारी है जो कि लेस देन 1 किलोमीटर आपको लेके जाएगी आगे ट्रैक तक, वहां से फिर थोड़ी सी चढ़ाई होगी, फिर खूबसूरत आपको जगह मिल जाएगी। कैसी जगह है? आई डोंट नो रियली, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अब ये जो सवारी है ये बहुत ट्रेडिशनल है और ये मैनुअली भी ऑपरेट होती है और कहीं कहीं मशीन भी ऑपरेट होती है। इट विल टेक मी स्ट्रेट अप देयर और वहां जाके आपसे मुलाकात होती है, फिर ऊपर का नजारा।
वेल खूबसूरत वादी है, गेस्ट हाउसेज यहाँ बन चुके हैं, कुछ लोग नीचे गाड़ियाँ पार करके यहाँ आते हैं, एक दो दिन स्टे करते हैं। इसके अलावा यहाँ लोकल आबादी है, फसलें यहाँ पे, और तुम्ही द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ लोग रह रहे हैं, डेढ़ घंटा दो घंटा नीचे जाते हैं, अपनी जरूरत की चीजें लेके वापस ऊपर आते हैं, यहाँ रहते हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक ये वैली ओपन रहती है, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बर्फबारी सीजन में नहीं होती। उसके अलावा यहाँ बर्फबारी होती है, अप्रोच मुश्किल होती है। आइए, जरूर आइए, बहुत खूबसूरत जगह है, फ्रेश ब्रीद आपको मिलेगी, आप शहर से दूर आएंगे तो मजा दुबारा होगा। लेट मी टेक अ व्यू। हेलो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हेलो, हमारा पहले से। हाँ जी। ओए होए होए, कितने क्यूट बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उमर। और तुम्हारा? उमर। और ये तो हमारा है ना, ये दौड़ते हैं, भागते हैं, कितने यहाँ पे जानवर हैं उनके साथ खेलते हैं, उनको भगाते हैं, फिर खुद बैठते थकते हैं, फिर उनको भागते हुए देखा तो मैं इस बच्ची के पास आया, इसका नाम है अमारा। Tell you how peaceful this place is, and यहाँ पे खामोशी है, और अगर आप फील करेंगे थोड़ी सी आवाजें तो है, कुछ परिंदों की आवाजें, कुछ नेचर आपको फील करने को मिलेगा, और उसके अलावा आप फील कर सकते हैं ब्रीज को, उस ब्रीज के अंदर आपको डिफरेंट ट्रीज का जो एक फ्लेवर है ना, जो स्मेल है वो आप सुन सकते हैं। उसके अलावा मुझे आलू की फसल नजर आई है, मकई की फसल है, और यहाँ के लोगों की यही डिपेंडेंसी है। यहाँ के जो घर है आपको नजर आएंगे लकड़ी के बने हुए हैं, ऊपर जो शेड है इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे तकरीबन 15 से 17 फुट तक बर्फ पड़ती है, और जब बर्फ होती है तो तब लोग क्या करते हैं, जो चीजें उन्होंने समर में ली होती है वो स्टोर कर लेते हैं, उसी पे गुजारा करते हैं, जानवरों के लिए शेड्स बना लेते हैं, गंदम का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मकई जो है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी, उसको स्टोर करते हैं और फिर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। सज्जनों मित्रों ते प्रावो गल ऐदा ही है, भावे तुसी फ्रेंड्स हो या फैंस हो, ब्रदर हो या सिस्टर्स हो, जरूर आए,
I'm inviting you to come to this place, this valley, enjoy the beauty. Yahan camping kare, yahan hotels mein rahe, yahan enjoy kare. This is the beautiful place, aur yahan ki tourism ko promote kare.